आई डोंट नो कि कहाँ से स्टार्ट करें यार, स्टार्ट करना तो है, तो लीजिए स्टार्ट कर ही देते हैं। रणबीर कपूर की मोस्ट हाइप मूवी एंड मोस्ट अवेटेड एनिमल थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। अगर हम बात करें रणबीर कपूर के बारे में तो ही इज अ सच अ सुपरस्टार यार, उनकी एक्टिंग पूरी मूवी में पकड़ बना के रखती है फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। चाहे मूवी में रणबीर कपूर के जितने भी लुक दिखाए हो, सभी लुक में वो परफेक्टली डिलीवर करते हैं जो हम देखना चाहते हैं मूवी से। शायद जवान मूवी में जितने लुक शाहरुख खान के थे उतने लुक तो यहाँ पे भी रणबीर कपूर के हो ही गए होंगे। फर्स्ट ऑफ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मूवी इज टोटली ए रेटेड जैसा हम जानते हैं एंड इट्स ओनली मैच्योर कंटेंट। मूवी फैमिली फ्रेंडली तो बिल्कुल ही नहीं है। मूवी में कितने किसिंग सीन थे उसकी गिनती तो शायद अब मैं भी भूल गया हूँ। ए रेटेड एंड ओनली 18+। बॉलीवुड की आज तक किसी भी मूवी में इतना वायलेंस, इतना खून खराबा एंड इतना मारदार नहीं दिखाया होगा जितना इस पूरी मूवी में दिखाया है, दैट्स फॉर श्योर। एंड दैट्स वेरी डिलाइटेड टू वॉचिंग दिस सीन्स। संदीप रेड्डी वंगा कुकिंग दैट्स सो ब्यूटीफुल एंड इन सच अ परफेक्ट वे। रणबीर कपूर के अलावा अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना एंड व्हाट अ ग्रेट कमबैक बाय बॉबी देओल। बॉबी देओल भी उनके रोल में काफी फिट लग रहे थे, हालांकि उनका स्क्रीन टाइम काफी कम था यार, बट जितना था काफी था एंड काफी मजबूत था। उनकी फाइट सीन्स, एक्शन सीक्वेंसेस, एक्टिंग, इमोशंस परफेक्टली थे। अगर उनको थोड़ा और टाइम मिला होता तो और मजा आता। उनका स्क्रीन टाइम सिर्फ 25-30 मिनट के ही अराउंड का है। बॉबी देओल के कैरेक्टर के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये तो सिर्फ प्यादा था, किंग तो आना अभी बाकी है। फिर उसके बाद मूवी के इमोशनल टचेस, फादर एंड सन के डुओ ने मूवी में इमोशनल टचेस देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पक्का आपको मूवी एंड में रुला ही देगी। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी स्पॉइल नहीं करूंगा, ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो स्टोरी काफी अच्छी थी। स्टोरी की स्टार्टिंग भी अच्छी थी, स्टोरी का एंडिंग भी अच्छा था, बट मूवी में कहीं ना कहीं मिडल में फ्लॉस दिख रहे थे, बट यू कैन निगलेक्ट दैट। मे बी मेरे हिसाब से मूवी का रन टाइम काफी लंबा था। बीच बीच में आपको फील होगा कि यार मूवी का रन टाइम सच में काफी लंबा है। ऐसा लगेगा कि जैसे आपने दो मूवी एक साथ देख ली हो। एंड फिर उसके बाद मूवी का एंड क्रेडिट सीन भी है जो कि वो काफी तगड़ा था, जो कि आप उसको बिल्कुल ही मिस करना नहीं चाहोगे। दैट विल सेट अप नेक्स्ट मूवी इन एनिमल फ्रेंचाइज। मूवी का वो क्रेडिट सीन स्पेशली काफी पसंद आया एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट पार्ट। मूवी का क्रेडिट सीन देखते वक्त आपको रोलेक्स की याद आएगी। बाकी मिलते हैं मूवी के स्पॉइलर टॉक वाले वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड मेन थिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।